तो हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका लद्दाख के एक नए वीडियो में। आज हम जाएंगे लेह से नुब्रा वैली की तरफ और बीच में आएगा खारदुंगला पास। पहले वो फर्स्ट नंबर का पास था खारदुंगला पास, लेकिन अभी फिलहाल सेकंड नंबर का पास हो गया है। तो चाइना बॉर्डर पर एक पास और बन गया है, तो खारदुंगला पास सेकंड हाईएस्ट पास हो गया है, लेकिन काफ़ी हाइट पर है, लगभग मेरे ख्याल से 18,000 फीट की हाइट है। तो चलते हैं यहाँ से, सामान मेरा पैक है, बिल्कुल रेडी हूँ मैं, होटल से चेकआउट करते और निकलते आगे लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलते आगे। लेह से खारदुंगला 39 किलोमीटर है, लेकिन जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि पूरी चढ़ाई है, इस तरफ ऊपर की तरफ जाना है, तो चढ़ने में टाइम लगता है खारदुंगला पास। बाकी वैसे किलोमीटर वाइज देखने जाओ तो खाली 39 किलोमीटर है लेह से। तो ये नीचे का नज़ारा देखो आप लेह सिटी का, इस तरफ में यहाँ से लेह सिटी और उस पहाड़ के पीछे तक है। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, इसके बाद सीधा नुब्रा वैली में पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर मुझे रोका था पीछे की तरफ। यहाँ पर जो हम बाइक लेके जाते हैं उसको चेक करते हैं, अगर लद्दाख की बाइक होती है तो ही आगे जाने देते हैं, तो मैंने यहीं से बाइक ली है, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। आप बाहर से बाइक लेके मत आना, टैक्सी वाली बाइक, अगर आपकी बाइक खुद की है और आपके खुद के नाम पर है तो आप यहाँ पर लद्दाख में कहीं भी घूम सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर अगर आपकी बाइक किसी फ्रेंड की है और आपका फ्रेंड साथ में है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाइक लेके आते हो अपने फ्रेंड की या किसी रिश्तेदार की और आप बोलोगे कि मेरा रिश्तेदार है तो नहीं चलेगा, आपको रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। आपको अगर लद्दाख घूमना है तो आपको परमिट बनवाना पड़ता है, मैंने भी परमिट बनाया है, हालांकि बीच में ये परमिट बंद हो गया था, आप बिना परमिट घूम सकते थे, लेकिन इसे फिर से शुरू कर दिया है। परमिट का जो चार्ज है वो 400 रुपये पर पर्सन है, उसके अलावा पर डे का 20 रुपये का चार्ज लगता है। तो जैसे आप अगर 5 दिन के लिए आए हो तो आपका 400 प्लस 5 दिन का 20 × 5 100 रुपये, तो 500 रुपये का परमिट बन जाएगा टोटल। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पिछले वीडियो में भी मैंने दी थी आपको, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, आपको काम लगेगा। सामने का नज़ारा देखो आप, पहाड़ कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम अलग ही दिख रहा है नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जब आप लेह से नुब्रा वैली के लिए जाएंगे खारदुंगला होते हुए। ये जगह थी साउथ पुल्लू, यहाँ पर एंट्री करते हैं, बाइक की नाम नंबर सब लिखना पड़ता है, फिर आगे जाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे फिर खारदुंगला की तरफ, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोन एरिया स्टार्ट स्नो स्लाइड, तो लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है इस तरफ, देखो काम चालू है, पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं तो ये लोग इसको हटाते रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर काम करना भी बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ, सलाम है इनको यार, इतनी ऊंचाई पर ये लोग काम करते हैं, ऑक्सीजन की कितनी कमी है यहाँ पर, पूरा सर चकराता है इतने ऊपर हाइट पर। रोड पे बर्फ आ गई है देखो इतनी सारी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सर भारी हो रहा है, क्योंकि एकदम हाइट ज़्यादा है, अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, तो सर भारी होना शुरू हो गया हल्का हल्का। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही है, गाड़ी पिकअप बहुत कम ले रही है, धीरे धीरे चढ़ रही है ऊपर। तो
तो कोई भी बाइक हो जब ऊपर चढ़ेगी तो थोड़ा धीरे धीरे चढ़ेगी, तो आराम से चढ़ाओ। तो खारदुंगा पास पहुंच गए हम लोग, बाइक रोकते हैं और फिर आपको दिखाता हूं मैं। तो मैं पहुंच गया हूं खारदुंगला टॉप पर। ये यहां का नज़ारा देखो, काफ़ी पब्लिक है, भीड़ कितनी है देखो आप, बहुत सारी भीड़ है। और इस तरफ में ये फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी हुई है देखो आप, ये पीछे बोर्ड दिखेगा आपको। और पीछे काफ़ी सारी स्नो है, बर्फ भी है यहाँ पर, और उस तरफ में भी आगे ऊपर जा सकते हैं। तो एक बार ऊपर चलते हैं, वहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो 5 या 10 मिनट का होल्ड करो और फिर आगे निकल जाओ, ज़्यादा मत रुको। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से। फ़ोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, तो मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ आपको लेके, वहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये नीचे का नज़ारा था देखो आप, ये खारदुंगला है, खारदुंगला टॉप। इतनी भीड़ है यहाँ पर, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है इस तरफ से लगा के इस तरफ तक। और लेह से मुझे यहाँ आने में लगभग 1.5-2 घंटे लगे। सौ 200 मीटर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, सांस बहुत फूलती है। हाँ, ये पूरी बर्फ़ है देखो आप, ये सारी बर्फ है। यहाँ पर ये एक बुद्धिस्ट जो गोम्पा होता है, उनके भगवान का जो मंदिर टाइप जो होता है वो है ये। और ये ऊपर से नज़ारा है, तो अभी नीचे चलते हैं, ऊपर ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, तो नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे जाने का ये रास्ता है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ आ गई है, हम उस तरफ से आए थे वहाँ से। ये खारदुंगला बोर्ड है, हाइट लिखा हुआ है 17,982 फीट। भीड़ देख लो आप, मारा मारी चल रही है पीछे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ पर वो बोर्ड था मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी फ़ोटो सेशन हो रहा है, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पूरी बर्फ़ है देखो आप, बर्फ़ के ऊपर फ़ोटोग्राफी हो रही है। बाकी इस तरफ में क्या नज़ारा है देखो आप, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बहुत बढ़िया नज़ारा होता है खारदुंगला में। अभी बिल्कुल गर्म है यहाँ पर, और लगभग जून एंडिंग है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, और ये नज़ारा है यहाँ का। तो खारदुंगला से निकल गए आगे के लिए, और लगभग 20 मिनट में यहाँ रुका था, और 20 मिनट से ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर काफ़ी स्नो है देखो, आगे तक स्नो है, लोग यहाँ पर भी रुक गए 200 मीटर आगे आके। तो ऊपर भी देखो कितनी सारी स्नो है। तो रोड यहाँ पर काफ़ी ख़राब है, बर्फ़ का जो पानी है वो पिघल के इधर से नीचे जा रहा है, और खड्डे भी हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ एकदम आराम से चलना चाहिए, ज़रा सी भी लापरवाही अच्छी नहीं है। यहाँ का पानी भी इतना ठंडा है, अगर नीचे गिर गए और भीग गए तो फिर हालत ख़राब होनी है। देखो यहाँ पर बर्फ़ तोड़ रहे हैं ये लोग, काम कर रहे हैं। ये जो बर्फ़ है रोड पर आ जाती है तो इसको तोड़ते हैं, मज़दूर लोग काम करते रहते हैं। फिर से एक बार सलाम है इन लोगों को, इतनी हाइट पर काम करते हैं ये लोग। ये नज़ारा देखो आप, शानदार नज़ारा है। वहाँ से हम आए देखो, वो जो पूरा रोड दिख रहा है बर्फ़ में, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग नॉर्थ पोलू, तो ये नॉर्थ पोलू है। जैसे खारदुंगला से पहले साउथ पोलू था, वैसे ये नॉर्थ पोलू है। और यहाँ पर ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर भी चेक होता है। और यहाँ पर ये खाने पीने की दुकानें वगैरह है, तो आप चाहो तो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। ये रास्ता जाता है आगे नुब्रा वैली के लिए। तो ये था नॉर्थ पोलू, 5 मिनट यहाँ पर रुके,
थोड़ा पानी वगैरह पिया, पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, ले ली पानी की बोतल, कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए, सूखा नाश्ता। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाय 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 बाय, झूले झूले। अभी हम कैसे जाएंगे आगे? थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा, जरा सा, जरा सा, बस बस, थैंक यू, धन्यवाद, झूले झूले। अरे शाबाश, रोड का काम चल रहा है यहाँ पर। ओहो हो, सब चिपक गया डामर। चलो चलो चलो, मिट्टी उड़ा दी भाई, मिट्टी उड़ा दी। पूरा रोड अभी बन रहा है, ऊपर मैंने आपको बताया था वो रोड बना रहे थे, काम चल रहा है। तो ये थोड़ा लंबा पेच है। अरे बाप रे, अभी तो और खराब हो गया रास्ता। ओहो, आगे तो बहुत सारी मिट्टी उड़ रही है, पूरा भूत बन जाना है आगे जाके। तो बहुत खराब रोड है, रोड बन रहा है यहाँ पर, पूरा ऑफ रोड है। और आपको मैं बताऊँ, अभी मैं जस्ट गिरते गिरते बचा हूँ। मेरी बाइक पूरी टर्न हो गई थी, नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन जैसे तैसे करके संभाल ली मैंने। इस तरह की मिट्टी पड़ी थी वहाँ पर, नीचे रेत पड़ी थी, तो दिखा नहीं रोड पर। तो काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है जब हम लद्दाख में आते हैं। तो एडवेंचर तो काफ़ी अच्छा होता है और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके साथ साथ दुर्घटनाएँ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जब भी लद्दाख आओ तो ध्यान से चलो। वाह, नज़ारा बहुत बढ़िया है ये। तो अभी हम पहुंच गए हैं खारदुंग में। ये खारदुंग गांव है पूरा, खारदुंगला पास के बाद नीचे उतरते हैं तब ये गांव आता है खारदुंग। खारदुंगला से लगभग 15 किलोमीटर है ये। बाकी पहाड़ों का व्यू देखो आप, क्या नज़ारा है ऊपर का। तो यहाँ पर गाड़ी रोकी है और थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करते हैं। और इतना लंबा ऑफ रोड था तो थक भी गए हैं। ये जो नॉर्थ पोलू के बाद जो रास्ता था वो काफ़ी ऑफ रोडिंग था, तो वो रास्ता ख़राब था तो थोड़ा थक गए हैं। तो यहाँ रेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लेह से निकले थे लगभग 9:45 और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो लगभग 3.5-4 घंटे हो गए हैं और 70 किलोमीटर का सफ़र हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थाली मंगवाई है मैंने, यहाँ पर इस तरह की थाली होती है, चावल है, इसी के अंदर में ये सब्जी है और ये दाल है। तो ये थाली है और ये 200 रुपये की थाली है। पूरा रिमोट एरिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा खाना, और मिलना भी चाहिए क्योंकि इतना ऊपर है तो इनको सब जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मुश्किल होती है। तो खाना खाते हैं और फिर बढ़ते आगे की तरफ। तो मुझे लगा यही थाली है दाल और ये चावल, लेकिन अभी भाई ने रोटी ला के दी है 5 मिनट बाद। तो ये थाली है, सब्जी, चावल, दाल और रोटी। तो खाना हो गया, यहाँ पर 10-15 मिनट का रेस्ट किया और अभी एकदम रेडी है आगे बढ़ने के लिए। तो चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास ये वाला बाइक है एवेंजर का, जो मैंने आज सुबह रेंट लिया था। तो चलते हैं आगे की तरफ। लंबा जाम लगा हुआ है, लगभग 500 मीटर पीछे से ये जाम चालू था, अभी तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जाम है। पता नहीं क्या हुआ, लगता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया लगता। आगे आगे जाएंगे तो पता चलेगा। देखो सब लोग नीचे उतर के बैठ गए हैं रोड पर, रोड बंद हो गया है। देखो कितना लंबा है, अभी तो बहुत आगे तक है।
एक्चुअली 2 घंटे पहले आर्मी का एक ट्रक नीचे गिर गया है, तो इसलिए पूरा जाम लगा हुआ है। अब मैंने भी यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी कर दी है और वेट कर रहे हैं, रिकवरी आएगी तो वो ट्रक निकलेगा, उसके बाद में पूरा ट्रैफिक निकलेगा। तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम हो गया है पूरा ये। तो अभी जाम खुला है, 2 घंटे से हम फंसे हुए थे यहाँ पर। यहाँ पर आर्मी का जो ट्रक था वो अंदर फंस गया था, नीचे धस गया था यहाँ पर, तो बड़ी मुश्किल से निकले यहाँ से। 2 घंटे रुकना पड़ा हमें और ये ट्रैफिक लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम हो चुका है ऊपर तक। हम किस्मत वाले हैं कि आगे आ गए थे। अभी लगभग 4 बज गए हैं, तो 3 घंटे का समय है हमारे पास में और 1 घंटा लगेगा हमें नुब्रा वैली पहुँचने में। चलते हैं फटाफट। ये देखो, सबको छोड़ा है, बाइक वालों को, इतने सारे बाइक वाले हैं, और कार वालों को नहीं छोड़ा है। अभी रास्ता खुलेगा पूरी तरह से, उसमें और आधा घंटा लगेगा। सारे लोग काफ़ी देर से ऊपर रुके हुए थे, तो सबको लगी है भूख, इसीलिए सब यहाँ पर रुकेंगे। हमें यहाँ रुकना नहीं है, अगर हम यहाँ रुक गए तो आगे लेट हो जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं दिस्कित। ये देखो ऊपर बड़ी सी मूर्ति है, ये मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति है। ऊपर चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो यहां पर स्टे भी कर सकते हो। तो यहां से हम ऊपर आए हैं और ये यहां का पैसेज है ऊपर का, और ये अंदर जाने की एंट्री है टेम्पल में, और ये मूर्ति है ऊपर। तो मूर्ति मैं आगे से दिखाऊँगा, लेकिन पहले अंदर चलते हैं। तो नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ मैं, और ये टेंपल है देखो आप। तो ये टेंपल था, बुद्धा टेंपल, जो मैंने आपको दिखाया अंदर से, और ये ऊपर मैत्रेय बुद्धा का स्टेच्यू है। तो सामने की तरफ चलते हैं, वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। और नीचे का नज़ारा देखो आप, बेहद ही सुंदर नज़ारा है। तो ये देखो आप, ये है स्टेच्यू मैत्रेय बुद्धा का। इन्हें मैत्रेय बुद्धा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलयुग के बुद्ध है। जिस तरह से हिंदू धर्म में कल्कि अवतार होने वाला है, उसी तरह से कहते हैं कि जब कलयुग काफ़ी बढ़ जाएगा तब ये मैत्रेय बुद्धा होंगे। तो ये इनका स्टेच्यू है, काफ़ी बड़ा स्टेच्यू है, और इसकी हाइट जो है वो 106 फीट है। और पहाड़ों के बीच में ये मॉनेस्ट्री है पूरी। ये देखो सामने उस तरफ मॉनेस्ट्री है, तो यहाँ से अभी नीचे जाना पड़ेगा इस तरफ, और वहाँ से इस तरफ होते हुए हम मॉनेस्ट्री में जाएंगे। तो हुंदर जाते हो तो दिस्कित जरूर आना, आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप लगभग अगर मॉनेस्ट्री और मैत्रेय बुद्धा दोनों करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और खाली आपको ये स्टेचू देखना है मैत्रेय बुद्धा का तो आधे घंटे में हो जाएगा। ये पूरा दिस्कित है, और उस तरफ में आगे हुंदर है। ये पूरी नुब्रा वैली, इसे नुब्रा वैली कहते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी है नुब्रा वैली। और ये पूरा नीचे का देखो आप लैंडस्केप कितना बढ़िया लग रहा है, पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर जगह है ये। और यहाँ का पैसेज भी काफ़ी बड़ा है। ये मैत्रेय बुद्धा का स्टेचू था, और नीचे आया हूँ मैं, और यहाँ पर देखो ये प्रेयर व्हील है। तो आप इसका पूरा चक्कर लगा सकते हो, काफ़ी बड़ा है ये।
पूरा राउंड सर्कल काट के आप मूर्ति को घूमते हो, इस तरफ आते हो, फिर से वहाँ से उस तरफ होते हुए ये रोड जो दिख रहा है यहाँ से इस तरफ से नीचे जाना है, और उस तरफ सामने वो है मॉनेस्ट्री, तो मॉनेस्ट्री पर चलते हैं। यहाँ से ऊपर पैदल भी जा सकते हैं सीढ़ी चढ़कर, और अगर बाइक है तो आप सीधा आगे ऊपर तक जा सकते हैं। बहुत ऊंचा है, खड़ी चढ़ाई है पूरी। तो अभी मैं आ गया हूँ मॉनेस्ट्री के लिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये मॉनेस्ट्री है, देखो यहाँ से ऊपर जाना है, और वो मैत्रेय बुद्धा का स्टेचू था, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, तो पास में ही है, लगभग 5 मिनट लगता है आपको ऊपर आने में यहाँ पर मॉनेस्ट्री के लिए। तो चलते हैं मॉनेस्ट्री के लिए ऊपर। तो ये देखो मॉनेस्ट्री का मैप बनाया हुआ है यहाँ पर। तो 14वीं शताब्दी की मॉनेस्ट्री है ये, काफ़ी पुरानी है, और ऊपर महाकाली टेम्पल भी है, ऐसा लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड टेम्पल महाकाली। तो ये ऊपर यहाँ पर मॉनेस्ट्री है ऊपर, 16 अरहत टेम्पल, और इस तरफ है बुद्धा शाक्य मुनि टेम्पल। तो एकदम ऊपर की तरफ मेन टेम्पल है, और नीचे से इस तरह से हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो ये मेन गेट आया है यहाँ, ये बड़ा सा प्रेइंग व्हील है, और ये गेट है मेन ऊपर जाने के लिए। क्योंकि लद्दाख में है तो चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम, हाई एल्टीट्यूड। यहाँ लिखा हुआ है वे टू टेम्पल, इस तरफ है मंदिर, तो टेम्पल के अंदर चलते हैं। तो ये मुख्य टेम्पल है, देखो आप, तो ये टेम्पल मैंने आपको बताया, देखो आप, ये पूरा टेम्पल है, काफी बड़ा है ये। तो एक टेम्पल ये था जो मैंने आपको बताया, और एक ऊपर भी टेम्पल है, तो वहां चलते हैं। तो ये दूसरा टेम्पल है, मैंने नीचे आपको एक टेम्पल बताया था, ये दूसरा टेम्पल है। तो मंदिर बंद करने का समय हो गया था, सही समय पर पहुंच गए, किस्मत वाले हैं हम। तो मॉनेस्ट्री का ये दूसरा मंदिर मैंने आपको बताया, काफी सुंदर मंदिर है। और ऊपर में देखो ये जो आपको इमारत दिख रही है, जो बिल्डिंग दिख रही है, ये नुब्रा वैली के जो राजा थे उनका पैलेस है ये। हालांकि ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर एंट्री नहीं है, ऊपर किसी को जाने नहीं देते हैं। तो ये नुब्रा वैली के जो राजा थे उनका पैलेस है ये, इसी मॉनेस्ट्री में ऊपर की तरफ सबसे टॉप पर। ये जो मॉनेस्ट्री है मैंने आपको बता दिया था कि 800 साल पुरानी है, और ये जो पैलेस मैंने आपको बताया ये लगभग 1000 से 1100 साल पुराना पैलेस है ऊपर वाला। फर्स्ट मंदिर था जो मैंने आपको बताया था, इसके बाद ऊपर वहां पर दूसरा मंदिर था, अभी मैं यहाँ इस तरफ नीचे आ गया हूँ, और ये तीसरा मंदिर है। तो ये देखो, आप देखो काफी पुरानी मूर्तियां है सारी ये। तो ये मॉनेस्ट्री भी काफी पुरानी है, मैंने आपको बताया लगभग 800 साल पुरानी है, और काफी बड़ी मॉनेस्ट्री है। तीनों मंदिर मैंने आपको बता दिए, देखो आप। तो ये था दिस्कित, जो कि नुब्रा वैली में है, और यहाँ पर मैंने आपको मैत्री बुद्धा और दिस्कित की मॉनेस्ट्री बताई, जो कि काफी बड़ी थी और काफी अच्छी थी। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं उंदर के लिए। उंदर दिस्कित से 7 किलोमीटर आगे है, और लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा हमें वहां पहुंचने में। Thank you.
दिस्कित से मैं आ गया हुंदर, 7 किलोमीटर आगे है ये दिस्कित से, और यहाँ पर वाइट सैंड ड्यून्स है और वो डबल कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं उनकी सफारी होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये नज़ारा है, देखो आप यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन। इसके ऊपर से इस तरफ चलते हैं पहले। यहाँ पर एक कैफ़े रेस्टोरेंट बना हुआ है अगर आपको नाश्ता पानी करना हो तो नुब्रा वैली के बारे में कुछ बताता हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि नुब्रा वैली एक छोटी सी जगह होगी, तो नुब्रा वैली बहुत बड़ी वैली है पहाड़ों के बीच में। नुब्रा नदी जहाँ पर भी चलती है उसका जो भी किनारा है उसे नुब्रा वैली कहते हैं, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, लगभग नई नई करके 100 किलोमीटर का दायरे में आता है ये। ये देखो ये डबल कुबड़ वाले कैमल, ये वो कैमल है जो सिर्फ लद्दाख में होते हैं। हेलो हाउ आर यू, तो इसकी ये डबल कुबड़ है, देखो आप ये नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर कैमल सफारी होती है। तो ये पीछे का नज़ारा मैंने आपको दिखाया था, उस तरफ में वहाँ पर पार्किंग है, काफ़ी दूर है, मैं आगे आ गया हूँ काफ़ी। और यहाँ पर ये देखो वाइट सैंड ड्यून्स है। तो यहाँ पर कैमल राइड का चार्ज 350 रुपये पर पर्सन का है और लगभग 10 से 15 मिनट की राइड होती है। और इसके अलावा यहाँ पर ATV राइड भी होती है, अगर आप चाहो तो ATV राइड भी कर सकते हो और उसका चार्ज 1000 रुपया है। तो ये नज़ारा था हुंदर का नुब्रा वैली में, काफ़ी सुंदर जगह है। और लद्दाख में आपको अगर सैंड ड्यून्स देखना है तो आपको हुंदर आना पड़ेगा। मैं आगे की तरफ आया हूँ, यहाँ पर देखो काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और आगे तक टीले हैं, तो जितना आगे जाओ उतना कम है। तो हम यहीं से लौटेंगे फिर पीछे की तरफ, और ये सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे चारों तरफ, तो बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का हुंदर का। आप अगर हुंदर आते हो तो यहाँ पर आपको स्टे भी मिल जाएगा, काफ़ी सारे यहाँ पर कैंप वगैरह है, होम स्टेज है, रेस्टोरेंट है, होटल है, गेस्ट हाउस है, सब कुछ है। तो दिस्कित और हुंदर दोनों जगह आपको स्टे मिल जाएगा, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आप पहले से प्री बुक कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप नहीं भी करोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको स्टे मिल ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टे हैं यहाँ पर। यहाँ स्टे का जो रेंज है वो लगभग 1000 रुपये से लगा के 3-4 हज़ार तक का है, जैसा आपको चाहिए, लेकिन मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है। 500 का तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन एवरेज आपको 800 से 1000 में लगभग स्टे मिल जाता है यहाँ पर। आज का दिन पूरा होता है, पूरा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया सब कुछ, और अभी वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो